हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोसीजर फॉर एस्टीमेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन अ सैम्पल सॉल्यूशन बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग EDTA सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्टैंडर्ड फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, ब्यूरेट, क्लैम्प स्टैंड एंड अ पिपेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पर M/40 का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है 100 ml स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। तो इसके लिए मैंने रिक्वायर्ड अमाउंट जो था वो वे कर लिया था और इसके बाद में मैंने इसमें सॉल्यूशन जो है पूरा मार्क तक वॉल्यूम फिल कर दिया था। अब इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 20 ml पिपेट का यूज़ करते हुए मैं सॉल्यूशन पिपेट आउट कर लूँगी। पिपेट में भी ऊपर मार्क लगा होता है, वहाँ तक आपको सॉल्यूशन को जो है पिपेट आउट कर लेना होता है और देन आप इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। यहाँ पर मैंने 20 ml वॉल्यूम यूज़ किया है। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला था अमोनिकल बफ़र। तो सबसे पहले बफ़र ऐड करते हैं, उसके बाद में हम इसमें ऐड करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर हम जो ऐड करेंगे ये करेंगे हम EBT इंडिकेटर। और यहाँ पर मैंने ब्यूरेट को सबसे पहले डिस्टिल वाटर से वॉश किया था, देन हमने इसको EDTA के सोल्यूशन से वॉश किया है। इसके बाद में आप इसमें EDTA सोल्यूशन फिल करके एंड टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब टाइट्रेशन में इनिशियली आपको जो कलर दिखेगा सोल्यूशन का वो होगा कुछ इस तरीके का वाइन रेड कलर, और इसे आपको टाइट्रेट करते रहना है। सबसे पहले आप इसके अंदर एक ट्रांजिशन देख पाएंगे, ये वाइन रेड से थोड़ा पर्पल कलर के अंदर जाएगा, तो उस पर्पल कलर को भी आपको जो है डिटेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप ड्रॉप वाइज ऐड कर सकते हैं सोल्यूशन फ्रॉम द ब्यूरेट और आपका जो एंड पॉइंट है वो मार्क हो जाएगा एज ब्लू। तो जैसे ही आपको ब्लू कलर ऑप्टेन हो जाता है वहाँ पर आपको अपनी टाइट्रेशन जो है स्टॉप कर देनी है और आप उस वॉल्यूम को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट टाइट्रेशन है स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद में, दैट इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पल कलर आ चुका है। इसके बाद में 1 or 2 ड्रॉप्स मैंने और डाले हैं और यहाँ पर ये ब्लू कलर आ गया है। तो आपको जो है इजीली ये डिटेक्ट हो जाएगा कि एंड पॉइंट कहाँ पर आया है। और यहाँ पर जो है वीडियो मैंने ये इस रेशियो में बनाई है बिकॉज यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है बनाना, बट फिर भी मेरे को आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना था। सो मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई है पूरा, और मेरे को लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ज़्यादातर जो स्टेप्स हैं ये मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, जो बीच के जो कुछ स्टेप्स हैं वो यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, जैसे कि बफर एडिशन का है, इंडिकेटर एडिशन का स्टेप है, वो सब यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ मैं। बाकी सारे स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। हर एक टाइट्रेशन जो है आपको ये 3 times करनी होती है बिकॉज आपको 3 concordant रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो इसके अंदर भी आप 3 concordant रीडिंग्स लेंगे सेम प्रोसीजर फॉलो करके, देन उसके बाद में आप रिंसिंग कर सकते हैं दोबारा से पिपेट की, बिकॉज पिपेट से आपने स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड का सोल्यूशन पिपेट आउट किया था। तो आप इसे एटलीस्ट 2 times रिंस कर सकते हैं डिस्टिल वाटर के साथ में, बिकॉज इसके बाद में आप EDTA एंड मिक्सचर का करेंगे यहाँ पे टाइट्रेशन। जो आपका मिक्सचर है उसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के आयंस होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस टाइट्रेशन का बता देती हूँ। तो ये है हमारी टाइट्रेशन नंबर 2। तो ये सेकेंड टाइट्रेशन है, इसमें भी आपको जो है 20 ml जो सबका सैम्पल सोल्यूशन होगा जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होंगे उसे आपको पिपेट आउट कर लेना है। पिपेट से जब आप सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमें हमेशा हॉरिजॉन्टली देखना होता है, बिल्कुल एकदम सामने से, ऊपर से या नीचे की तरफ से आपको नहीं देखना होता है बिकॉज वो आपको एक गलत वॉल्यूम दिखाता है। तो ये मैं आपके मान के चल रही हूँ कि आपको टाइट्रेशन के बेसिक्स आते हैं और आप यहाँ से सिर्फ प्रोसीजर की नॉलेज लेने आए हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर आपको बेसिक्स भी थोड़ा नहीं पता है तो आप मेरी टाइट्रेशन KMnO4 ऑक्सैलिक एंड KMnO4 मोर सॉल्ट की भी देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताए हुए हैं प्रोसीजर्स वगैरह एंड कैसे हम हैंडलिंग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर जो है मैंने फिर से यहाँ पर 20 ml सॉल्यूशन सैंपल पिपेट आउट कर लिया है।
इसके बाद में आपको ऐड करना है बेसिक अमोनिकल बफर, आप 5 ml अप्रॉक्स ऐड कर सकते हैं एंड अ पिंच ऑफ EBT इंडिकेटर। और आपका ये वाइन रेड कलर जो है सोल्यूशन का EDTA के साथ में टाइट्रेट करने के बाद में ये आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आपको टाइट्रेशन स्टॉप कर देनी है एंड वॉल्यूम आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 3 times इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करना है और 3 बार आपकी ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आएंगी, उन्हें आपको नोट डाउन कर लेना है। तो सेकेंड टाइट्रेशन के बाद में आप कॉनिकल फ्लास्क को वॉश कर सकते हैं डिस्टिल वाटर के साथ में, एंड आपका अगर ब्यूरेट जो है खाली हो गया है तो आप उसको रीफिल कर सकते हैं EDTA सॉल्यूशन के साथ में। इसके बाद में हम इसमें थर्ड टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। इसमें भी आपको 20 ml सॉल्यूशन, जो भी आपका सैंपल है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस हैं, उससे आपको 20 ml पिपेट आउट कर लेना है और कॉनिकल फ्लास्क में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये जो आपकी थर्ड टाइट्रेशन है इसमें हम क्या करेंगे, अब आपका सॉल्यूशन जो है सैम्पल सॉल्यूशन उसमें आपके कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी टाइट्रेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम आयंस को मास्क कर देंगे यूजिंग अ मास्किंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं डाइथाइल अमीन। तो हम इसे मास्क कर देंगे तो अब आपके सैम्पल सॉल्यूशन में सिर्फ बचे कैल्शियम आयंस। तो अब आप EDTA सॉल्यूशन को जब आप ऐड करोगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर तो उसकी सिर्फ टाइट्रेशन होगी कैल्शियम आयंस के साथ में। तो यहाँ से आपके पास में EDTA का वो वॉल्यूम आएगा जो कैल्शियम आयंस के साथ में टाइट्रेशन के लिए यूज़ होगा। तो 20 ml पेपेट आउट करने के बाद में आप इसमें डाइथाइल अमीन डाल सकते हैं एंड कैल्कन इंडिकेटर हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे ही आप इंडिकेटर को डाल देंगे उसके बाद में इसके अंदर पिंक कलर आपको मिल जाएगा। ये इस तरीके का आपको बहुत अच्छा पिंक कलर दिखता है। इंडिकेटर आप जितना डालते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन का कलर आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 drops में भी इंडिकेटर के डाले थे तो उसके बाद में अच्छा खासा ये पिंक कलर ऑप्टेन हो गया था। इसमें अब मेरे को जो एंड पॉइंट आएगा उसका कलर ऑप्टेन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जो एंड पॉइंट जाएगा वो आपका जाएगा ब्लू। तो आप देख सकते हो पिंक से गया है पहले ये पर्पल, और इस पर्पल पे आपको रीडिंग अभी स्टॉप नहीं करनी है, ड्रॉप वाइज आप ऐड कर सकते हो और उसके बाद में आपको एक ब्लू कलर दिखेगा वो बिल्कुल अलग ही होगा इस पर्पल कलर से। तो इस तरीके का ब्लू कलर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इस रीडिंग को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको 3 concordant रीडिंग्स लेनी है इस टाइट्रेशन के अंदर भी। तो जो फर्स्ट टाइट्रेशन थी वहाँ से आपके पास में मोलैरिटी ऑफ EDTA आ जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA किया है यूजिंग स्टैंडर्ड जिंक ऑक्साइड सॉल्यूशन। तो जैसे आपको EDTA की मोलैरिटी पता चल जाएगी उसके बाद में आप सेकेंड टाइट्रेशन कर सकते हैं जिसमें आपके दोनों आयंस प्रेजेंट हैं और EDTA के साथ में आप करोगे। तो जो सेकेंड टाइट्रेशन है वहाँ से आपके पास में मोलैरिटी आ जाएगी जो यूज़ होगी कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस के लिए। एंड जो थर्ड टाइट्रेशन है उसमें आपके क्योंकि सिर्फ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट थे, मैग्नीशियम को हमने मास्क कर दिया था यूजिंग मास्किंग एजेंट, तो मैग्नीशियम जो है वो आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपकी सिर्फ जो मोलैरिटी आएगी थर्ड टाइट्रेशन से वो आएगी मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2+ आयंस। तो आप मैग्नीशियम आयंस की भी मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपकी टोटल आई है यानी सेकेंड टाइट्रेशन से कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस की मोलैरिटी, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम 2+ आयंस की जो आई है थर्ड टाइट्रेशन में से। तो आपके पास में आ जाएगी मोलैरिटी ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ऐसे करके आप कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस की जो है अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आपके सैंपल सॉल्यूशन के अंदर है।
अब यहाँ पर ये सेकेंड टाइम हो रही है टाइट्रेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्टली, आपको देखना है आपका ब्लू कलर जहाँ पर भी ऑब्टेन होगा वहाँ पर आपको टाइट्रेशन स्टॉप कर देनी है एंड यू कैन नोट डाउन द रीडिंग। तो यहाँ पर अब देखिए आप ब्लू कलर ऑब्टेन हो गया है। अब हम इसके बाद में वॉश करेंगे कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टल वाटर के साथ में। एटलीस्ट 2 टाइम्स आप वॉश कर सकते हैं। इसके बाद में अगेन हम 20 ml जो है सैम्पल सोल्यूशन को पिपेट आउट करेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे डाइथाइलामीन एंड कैल्कन इंडिकेटर। आपका फिर से जो है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। उसे आप EDTA के साथ में टाइट्रेट करके एंड ब्लू कलर में लेके आ सकते हैं। तो अब इसके बाद में आप ये थर्ड कॉनकॉर्डेंट रीडिंग ले सकते हैं। ऐसे करके आपको हर टाइट्रेशन के अंदर 3 कॉनकॉर्डेंट रीडिंग्स लेनी होती हैं जिनमें आपका वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड एकदम सेम आता है करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में है वो ए सोल्यूशन होता है इस तरीके से पिंक कलर में, देन वो बी में चेंज होता है पर्पल एंड देन सी में आपको ब्लू कलर मिल जाता है। तो ये आपको जो कलर चेंज है ये आपको ऑब्जर्व होना चाहिए तो आपका एकदम करेक्ट रीडिंग आ जाएगी। तो बाकी का प्रोसीजर आप देख सकते हैं वीडियो में एंड इसी तरीके के मैं आपके साथ में और भी कई सारी वीडियो शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।